एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, ये मेरी गोवा की लास्ट ब्लॉग होने वाली है, तो मैं इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो मैं यहाँ का रूम सर्विस बताने वाली हूँ। मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि गोवा जाने के बाद कैसे, कहाँ पर रहना है, रूम कैसा मिलता है, तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेन चीज़ होता है कि रूम की बाथरूम कैसी होनी चाहिए। तो ये बाथरूम काफ़ी अच्छा है, छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, तो यहाँ पर अच्छे से नहा सकते हो आप कम्फर्टेबली। और यहाँ पर देखो एक छोटा सा किचन दिया गया है। अब खाना बनाओ या ना बनाओ, लेकिन किचन रखा जाता है। और मटेरियल्स अगर आपके साथ में हो, तो राइस कुकर वगैरह आपके साथ में हो, तो आप आराम से खाना बनाकर खा भी सकते हो। यहाँ पर गोवा आने से पहले मैंने सुना था कि गोवा में बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव खाना मिलता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। 200 रुपये में थाली वगैरह मिल सकता है और 250 रुपये में फीस थाल भी मिल सकता है। तो पहले मैंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर छोटा सा कवर दिया गया है, इसमें आप कपड़े भी रख सकते हो। और यहाँ पर एक बिस्तर है, बिस्तर भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो पैसे के हिसाब से मैं तो थम्स अप दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। भले ही रूम छोटे हो, लेकिन कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और चलो मैं बाहर दिखाती हूँ। जस्ट रूम से निकलते ही एक छोटा सा बरामदा है, और इसमें मैं कपड़े सुखाती थी, और इसमें गेट भी लगा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। तो ये नज़ारा कितना अच्छा है, हरा भरा है। और यहाँ पे दो चेयर भी रखा गया है, आप चाय वाय पी सकते हो। अगर ये रूम आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। सो गाइस, फाइनली हम निकल रहे हैं बीच के लिए। तो ये बीच का नाम है अरांबल बीच। तो हम इस बीच के नज़दीक नहीं रहते थे, मतलब पास में ही रहते थे, और यहाँ बस 200 मीटर ही दूर होगी, तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर नहाने वाली हूँ। कल वागा बीच गए थे, लेकिन वहाँ पर हम भी नहाए, मैं नहीं नहा पाई, क्योंकि बेबी मेरे साथ थी तो उसको काफ़ी डर भी लग रहा था। तो आज मैं पक्का नहाऊंगी बोल के आई हूँ। सो गाइस, मैं आज पक्का नहाऊंगी। पानी को तो ना ना से की जान ओ ओ तेन ना पर तुमने ना ओ तेन ना पर तुमने ना ओके देखते एक्साइटेड हूं। यहां पर बच्चे खेल रहे हैं।
hinapar lang yung tanong ngayon eh. Gusto ko kayo lihante. Woo! Rahero ko dyan. Woo! Or Samriddhi dahil har kisi ko buy ka rin yun. Kare ba ito ita? Guys, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ और हम बीच के इधर उधर घूम रहे हैं और यहाँ पर देखो सेल्स पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले मैं देख रही थी कि ये क्या गिरा है, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे ये गिरा हुआ है, शायद पानी से बह के आया है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। सो गाइस, मैं फाइनली जा रही हूँ नहाने के लिए, तो आप सब लोग वीडियो पे बने रहिए। बेबी के साथ बैठी हूँ और मैं जब तक बेबी को लेके रहती हूँ तब तक अभी नहा लेगा, तो वो बहुत ही एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैं उतना एंजॉय कर नहीं पाई क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन से ही मैं कभी पानी में गई नहीं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा घबराहट हो रहा है ये सब पानी देख। यहाँ से तो ठीक है, लेकिन जब पानी में जाती हूँ ना तब तो मेरा मन थोड़ा बैठ जाता है, डर सा लगने लगता है। अभी बोल रहा था कि और थोड़ा जाओ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। मैंने बहुत ट्राई किया, कोई बात नहीं, मैंने मज़े से नहा लिया, जितना नहाया दिल से नहाया। आज गोवा का लास्ट डे है हमारा, तो पता नहीं, जाने को मन भी नहीं कर रहा है। और गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आओ। अभी भी नहा के आ चुका है और मैं जा रही हूँ भुट्टे लेने, क्योंकि अभी खाने पीने का टाइम है, तो चलो पहले भुट्टे ले लेते हैं। कैसे दे रहे हो? 40 दो चाहिए। हाँ दो दो ना। हाँ हाँ दो 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 चाहिए, ठीक है। मैं तो डर गई। तुम्हारा नाम मेरा नाम हमारा नाम। हाँ, मैं पूछी ना जीजा भाई कौन है। सो गाइस, मैं यहाँ से ले रही हूँ भुट्टे और दादी अम्मा के साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी लैंग्वेज कुछ अलग ही है, डिफरेंट है पूरा। सो गाइस, भुट्टे मैंने लाया है और हब्बी को भी दे दिया और वो अच्छे से बैठ के खा रहा है और मैं भी उसके साथ में बैठ के खाऊंगी। जब तक मैं भुट्टे लेने गई थी, समृद्धि सो गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो अभी वो उठ चुकी है, उठ के पानी पी रही है। भुट्टे खाते खाते हमें अचानक से आइसक्रीम दिखी, तो हब्बी बुलाने लगा आइसक्रीम वाले को।
सो गाइस हमने लिया है चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम, तो अभी थोड़ा टाइम बैठ के हम एंजॉय करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर देना। बाय बाय।